यूपी के सुल्तानपुर में चोरों ने पुलिस को खुलेआम चुनौती दी है। यहां एक घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। पीड़ित ने पुलिस में तहरीर दी, जिस पर पुलिस विधिक कार्रवाई में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार घटना जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सेफतरी गाँव की है। गाँव निवासी देवेंद्र सिंह घर में अकेले थे। उन्होंने बताया कि रात तकरीबन 11 बजे के आसपास वो सो रहे थे। सुबह पड़ोस की महिला ने जानकारी दी कि घर के पीछे की खिड़की टूटी हुई है, बक्से खुले हुए हैं। देवेंद्र सिंह जब बाहर निकले तो उन्हें घर में चोरी की जानकारी हुई। बताया जा रहा है कि चोर घर के पीछे लोहे की ग्रिल काट कर घुसे थे। चोर देवेंद्र सिंह के घर से उनकी दोनों बहुओं के करीब 17 लाख रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए। इसके साथ ही घर में रखे लगभग 50,000 रुपए नकदी भी चोर ले उड़े हैं। क्षेत्राधिकारी जयसिंहपुर प्रशांत सिंह ने बताया कि डॉग स्क्वाड आदि को मौके पर पहुंचकर जांच की जा रही है। तहरीर मिली है कि जिस पर विधिक कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, देवेंद्र सिंह के बड़े पुत्र भूपेंद्र सिंह एक हिंदी दैनिक अखबार से जुड़े हैं। जिस तरह उनके घर को चोरों ने निशाना बनाया है, उससे साफ है कि लचर पुलिसिंग की बदौलत चोर यहाँ पर मनमानी कर रहे थे। और क्या आम और क्या खास, कोई भी अब सुरक्षित नहीं है। सुल्तानपुर से नाउ 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।